Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Duty College, University of Allahabad. And today I am going to discuss with you an Indian test, standardized test of creativity, that is Baker-Mehri's test of creativity. Okay, so let's start. बहुत दिनों बाद वापस साइकोलॉजी पर लौटे हैं हम लोग, एजुकेशनल साइकोलॉजी पर. और मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि कैसे, हाउ डू यू मेजर क्रिएटिविटी. बट उसमें मैंने टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी आपसे, क्रिएटिव थिंकिंग आपसे डिस्कस किया था, TTCT. देखिए, स्टूडेंट्स को ये भी याद रखना चाहिए कि कभी कभी वो ऐसे भी पूछ देते हैं कि TTCT के बारे में बताइए, TAT के बारे में बताइए. तो TAT थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट पर्सनैलिटी नापने के लिए है, TTCT आपका टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग है ना. तो ये भी हमको पता होना चाहिए कि इनके एब्रीविएशन क्या है. तो मैंने उसमें आपसे वो डिस्कस किया है. लेकिन जब आपसे सवाल पूछते हैं, और ये लगभग हर बार पूछा जाता है, बहुत दिनों से ड्यू था मेरा कि आपसे डिस्कस करूं, वो क्रिएटिविटी के बारे में कुछ पूछेंगे, उसके कुछ डेफिनेशन, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड फिर बताएंगे हाउ डू यू मेजर क्रिएटिविटी ऑफ योर स्टूडेंट, ऐसे करके एक स्टैंडर्डाइज टूल के बारे, या व्हाट इज, डू यू नो एनी स्टैंडर्डाइज टूल ऑफ क्रिएटिविटी करके. तो हम चूंकि इंडिया में रहते हैं तो हमको इंडियन एडेप्टेशन बताना चाहिए. तो जो ये क्रिएटिविटी है, इस पर बहुत बात आपसे हुई है, आपने सुना है उसको, आप जानते हैं. फिर भी एक क्विक रीकैप हम करते हैं कि क्रिएटिविटी की शुरुआत कहाँ से होती है. मोस्ट क्रिएटिव, मतलब क्रिएटिविटी की नहीं, क्रिएटिविटी टेस्टिंग की. मोस्ट क्रिएटिविटी टेस्ट्स इन यूज टुडे आर बेस्ड एटलीस्ट पार्शियली ऑन द थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी इवॉल्व बाई JP गिलफोर्ड इन द 1950s. यानी बहुत लेट है ये काम, है ना. JP गिलफोर्ड ने जब 1950 में ही अपनी थ्योरी, इन्होंने क्रिएटिविटी की दी, उसके बाद से ही क्रिएटिविटी टेस्टिंग की बातें शुरू हुई हैं, मतलब इन्हीं पर बेस्ड है. अब JP गिलफोर्ड का क्रिएटिविटी से क्या लेना देना है आपको. JP गिलफोर्ड का मैंने इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ा रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, SOI, है ना. वो जो 3-dimensional मॉडल बनता है, कंटेंट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, उसमें वो बात करते हैं क्रिएटिव थिंकिंग की. क्यों? क्योंकि वो डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं, तो आपको उसको याद करना पड़ेगा फिर से. तो गिलफर्ड पोजिटेड दैट द एबिलिटी टू इनविजन मल्टीपल सॉल्यूशंस टू ए प्रॉब्लम ले द कोर ऑफ क्रिएटिविटी. गिलफर्ड ने कहा कि वो जो ये योग्यता है कि एक समस्या के बहुत सारे समाधान जो सोच सकता है, वहीं से क्रिएटिविटी की शुरुआत होती है. ही कॉल्ड दिस प्रोसेस डाइवर्जेंट थिंकिंग. और इस प्रोसेस को, मतलब एक समस्या के कई समाधान ढूंढने को, उन्होंने अपसारी चिंतन कहा, और उसकी ऑपोजिट टेंडेंसी को अभिसारी चिंतन कहा, जिसमें कई सारी समस्याओं के एक समाधान है, और इसमें एक समस्या के कई समाधान है. तो गिलफर्ड आइडेंटिफाइड 3 कंपोनेंट्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग. गिलफर्ड ने 3, आप कह सकते हैं, अवयव, घटक अपसारी चिंतन के बताए, चिन्हित करके बताए. कौन कौन से? फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और ओरिजिनैलिटी. तो मेनली यही 3 है. बाद में आप पढ़ेंगे तो इलेबोरेशन भी जुड़ जाता है उसमें. तो फ्लुएंसी क्या है? कहते हैं ना, ये व्यक्ति बहुत फ्लुएंट है, यानी कि एबिलिटी टू क्विकली फाइंड मल्टीपल सॉल्यूशंस टू ए प्रॉब्लम. मतलब हम तुरंत बता रहे हैं, हमको टाइम नहीं लग रहा है, हम तुरंत बता रहे हैं, अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. एबिलिटी टू क्विकली फाइंड मल्टीपल सॉल्यूशंस, बहुत सारे हम समाधान बता रहे हैं तेजी से, तो हम फ्लुएंट हैं. फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? मतलब हम तेजी से चेंज हो रहे हैं. बीइंग एबल टू साइमल्टेनियसली कंसीडर ए वैरायटी ऑफ अल्टरनेटिव्स. अच्छा ये नहीं होगा तो ये चल जाएगा, ये नहीं, तेजी से साइमल्टेनियसली एक साथ हम बहुत सारे अल्टरनेटिव्स पे काम कर रहे हैं, सोच पा रहे हैं, तो हम फ्लेक्सिबल हैं. एंड ओरिजिनैलिटी रेफरिंग टू आइडियाज दैट डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर पीपल. हम एकदम ओरिजिनल कोई सोल्यूशन बता रहे हैं, हम ऐसा बता रहे हैं जो बाकी कोई बता ही नहीं रहा है. अगर ये 3 क्राइटेरिया हम फुलफिल करते हैं तो दैट मीन्स वी आर क्रिएटिव. अब आते हैं बाकर-मेहरी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी पे. तो बाकर-मेहरी जो टेस्ट है क्रिएटिविटी का, अच्छा ये गिलफर्ड साहब ने बता दिया, फिर उसके बाद क्रिएटिविटी टेस्टिंग की शुरुआत होती है, और गिलफर्ड टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग और टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग बनता है. और बाकर-मेहरी का टेस्ट आपका ये टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग का ही अडॉप्टेड वर्जन है, मतलब मूल रूप से वही, और उसको भारतीय सीमा पर्यावरण में, भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूलित किया गया है. तो देयर आर, अच्छा अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि टेस्ट के बारे में बताइए, तो आपको बताना होगा कि इस टेस्ट में 4 वर्बल और 3 नॉन वर्बल सब टेस्ट है. मतलब मेन टेस्ट ये, उसके उप परीक्षण है 4 भाषिक और 3 अभाषिक. आपको पता है वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट में कि वर्बल में आपको इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, नॉन वर्बल में नहीं देने होते, वो अपने आप अपने केस चित्र को पूरा करो ऐसा लिखा रहता है, उसे समझ में आ जाता है. तो जो 4 वर्बल, अच्छा इसमें वर्बल टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, है ना, नॉन वर्बल का डिटेल मैंने नहीं दिया है. तो जो वर्बल सब टेस्ट है या सबसेट है वो कौन कौन से हैं?
कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट है, आपको याद करना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट, अनयूजुअल यूजेस टेस्ट, न्यू रिलेशनशिप टेस्ट एंड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टेस्ट। तो ये चार हो गए। कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट मतलब परिणाम परीक्षण, मतलब आपसे इसमें कैसे सवाल पूछे जाएंगे, क्या होगा अगर ये हो गया तो, क्या होगा अगर दुनिया डूब जाए तो, समुंदर समा जाए तो, ज्वालामुखी फट जाए तो, सुनामी आ जाए तो, मतलब मैं ये सारे खतरनाक बता रही हूँ, अच्छे भी हो सकते हैं। क्या होगा अगर आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाए तो, भारत के प्रधानमंत्री बन जाए तो, कुछ भी अच्छी बातें भी हो सकती। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट। अनयूजुअल यूजेस टेस्ट आपसे पूछा जाएगा कि इसका कोई ऐसा यूज बताइए जो अनयूजुअल है ना। न्यू रिलेशनशिप टेस्ट, इन दोनों में कोई नया समीकरण या संबंध बताइए। और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टेस्ट मतलब आपको एक प्रोडक्ट दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसके ड्यूरेशन है, पूरा टेस्ट 48 मिनट का है लेकिन चार 12-12 मिनट के नहीं है। जो कॉन्सिक्वेंट टेस्ट, और उसमें 48 मिनट में इंस्ट्रक्शन भी इन्वॉल्व है ना, यानी कि आप घंटों इंस्ट्रक्शन ही देंगे, 2 मिनट में अपनी बात कहकर खत्म करेंगे। तो कॉन्सिक्वेंस टेस्ट जो है वो 12 मिनट का है। वो कहते हैं इन दिस टेस्ट द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू थिंक ऑफ हिज मेनी कॉन्सिक्वेंसेस एज पॉसिबल फॉर सिचुएशंस लाइक, अभी इन्होंने कुछ जैसे बताया कि व्हाट वुड हैपन इफ यू इफ वी कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, अगर आप चिड़िया की तरह उड़ सकें, पक्षी की तरह उड़ सकें तो क्या होगा, बताइए इसके कुछ सॉल्यूशंस है ना, कुछ सिचुएशंस बताइए पॉसिबल, फिर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस बताइए, फिर व्हाट वुड हैपन इफ योर स्कूल हैड व्हील्स, क्या हो अगर आपके विद्यालय में पहिए लग जाए तो बच्चे इतने खुश हो जाएंगे कि हम कहीं भी जा सकते हैं, हम यहाँ वहाँ जो भी बताएंगे। व्हाट वुड हैपन इफ यू डू नॉट हैव एनी नीड फॉर फूड, क्या होगा अगर आपको भोजन की आवश्यकता ही नहीं रहे, तो पूरी दुनिया में कितना वो, मतलब कुछ उगाने पैदा करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो इस तरीके का वो बताएंगे, इसके लिए 12 मिनट का आपको समय देना। ये फॉर एग्जाम्पल है। फिर अनयूजुअल यूजेस टेस्ट, ये 15 मिनट का है। इसमें कहा जा रहा है कि आपको कोई अनयूजुअल यूज बताना है, जैसे कि write as many novel, interesting and unusual uses for objects like a piece of stone, a wooden stick, a water. Water का कोई unusual uses बताइए। तो सोचना पड़ेगा, मतलब आप creative हैं तभी बता पाएंगे। फिर new relationship test, new relationship test में क्या कह रहा है, इसका भी duration जो है वो 15 मिनट का है। It has these test items like below. Think of as many relationships between the following pair of words. अच्छा ये pair of words दे रहे हैं, जैसे कि tree और house के बीच का relationship बताइए, new relationship। चेयर और लैडर के बीच का बताइए, एयर और वाटर के बीच का बताइए। तो 15 मिनट आपको इसके लिए मिलेंगे। और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टेस्ट ये छोटा है, ये 6 मिनट का है। ये कह रहे हैं कि इसमें आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, जैसे यू हैव अ टॉय हॉर्स, आपके पास एक खिलौना घोड़ा है। नाउ थिंक ऑफ एज मैनी न्यू थिंग्स और फीचर्स दैट कैन मेक इट मोर यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग, अब आप बताइए कि इसमें क्या, मतलब ये कैसे और यूजफुल और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे और आपको इतने इतने मिनट में उनके जवाब लिखने होंगे। और जो नॉन वर्बल सब टेस्ट है उनके नाम जान जाइए, पिक्चर कंस्ट्रक्शन है, पिक्चर कंप्लीशन है और ट्रायंगल्स एंड एलिप्सिस है। मतलब कोई चित्र अधूरा है उसको पूरा करना है, उसका निर्माण करना है, किसी पिक्चर को पूरा करना है, और ट्रायंगल्स और एलिप्सिस आपको दे रखें कि उनसे नया कुछ बनाइए ऐसा करके। तो ये हो गया आपका नॉन वर्बल सब टेस्ट। तो हम चूंकि वर्बल टेस्ट पे हमारा कंसंट्रेशन है, तो इस तरह से इन ऑल सच क्रिएटिविटी टेस्ट एज इलस्ट्रेटेड अबव, द वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्टिविटीज आर इवैल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ रिलेटेड क्रिएटिव एबिलिटीज लाइक फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलेबोरेशन। इलेबोरेशन मेनली गिलफर्ड का जो सुझाया हुआ नहीं है, बाद में जोड़ा गया है। ए हाई स्कोर ऑन दिस क्रिएटिव टेस्ट इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिक्लेयरिंग द सब्जेक्ट एज क्रिएटिव, और अगर आप सब में हाई स्कोर आपका आता है तो हम कह सकते हैं कि आप एक सृजनात्मक व्यक्ति हैं। ठीक है, ओहो इंस्ट्रक्शन दे दिया बच्चे ने, सब्जेक्ट ने करके भी दे दिया, स्कोरिंग फलांकन ऐसे होगा कि इसमें चूंकि कोई सही गलत जवाब तो है नहीं कि आप किसी का जीरो नंबर देंगे, है ना। तो मच केयर, जैसे इंटेलिजेंस टेस्टिंग में सवालों के जवाब सही है तो नंबर मिलेंगे, गलत है तो नहीं, इसमें कोई सही गलत नहीं है, इसलिए हमको बहुत ध्यान से इसको नंबरिंग करनी है, स्कोरिंग करनी है। तो हम हर आइटम को फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और ओरिजिनलिटी पे नंबर देंगे। फ्लुएंसी का क्या मतलब, हमने जैसे बताया कि जितने ज्यादा ए नंबर ऑफ रेलिवेंट एंड अनरिपीटेड आइडियाज विच दी टेस्टी प्रोड्यूसेस, यानी कि हमने कितने सार्थक जवाब दिए और कितने हमें मतलब उसको रिपीट नहीं किया है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी में इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पर्सन्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस आइडियाज विच डिफर इन अप्रोच और थॉट ट्रेंड, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी में हम अलग तरीके से चल रहे हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब एक ही जैसे विचारों वाले आंसर नहीं है। ऑल आइडियाज विच फॉल अंडर वन कैटेगरी आर ट्रीटेड एज वन फॉर द पर्पस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी स्कोरिंग, अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्कोर कर रहे हैं तो ऑल आइडिया अगर एक ही कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, सब एक ही जैसे जवाब दे दिए तो आपको एक ही नंबर मिलेगा क्योंकि आपने एक ही कैटेगरी को चुना है, मतलब हमको कैटेगरी अलग अलग चुननी है तब अलग अलग नंबर मिलेगा।
और ओरिजिनलिटी का मतलब अनकॉमननेस ऑफ ए गिवन रिस्पॉन्स, यानी हमने ऐसा रिस्पॉन्स दिया है जो कॉमन नहीं है, जितना यूनिक है उतना ज्यादा नंबर मिलेगा। रिस्पॉन्सेज गिवन लेस देन 5% ऑफ द ग्रुप आर ट्रीटेड एज ओरिजिनल, यानी कि अगर समूह के 5% से भी कम लोगों ने वो जवाब दिया है तो उसको आप मौलिक मानेंगे। दी स्कोर्स मे बी डायरेक्टली इंटर्ड ऑन द आंसर शीट बाय क्लोजली फॉलोइंग द स्कोरिंग गाइड, मतलब आपके मैनुअल में दिया होगा कैसे क्या करना है। अब आप स्कोरिंग देख लीजिए, फ्लुएंसी में जो रिस्पॉन्स विच आर रिपीटेड एंड इररिलेवेंट स्ट्राइक ऑफ, जो सार्थक नहीं है जो रिपीट हो रहा है उसको आप हटा दीजिए, तो रेलेवेंट वन को फ्लुएंसी में जोड़ लीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी में अगर पांचों रिस्पॉन्स पांच डिफरेंट कैटेगरी में आए हैं तो पांच नंबर दीजिए, अगर पांच रिस्पॉन्स चार ही कैटेगरी है तो चार, पांच रिस्पॉन्स तीन कैटेगरी के हैं, दो ही कैटेगरी, एक ही कैटेगरी का, तो एक नंबर। समझ में आ गया, मतलब कैटेगरी अलग होनी चाहिए नंबर पाने के लिए। उसी तरह से ओरिजिनलिटी में मोर अनकॉमन द रिस्पॉन्स द हायर इज द ओरिजिनलिटी वेट, जितना आप असामान्य प्रतिक्रिया आप देंगे उतना ही ज्यादा आपको नंबर मिलेगा। इफ ए रिस्पॉन्स हैज बीन गिवन बाय 1% टू 99% ऑफ द टेस्टीज देन द रिस्पॉन्स विल गेट एन ओरिजिनलिटी वेट ऑफ 5, यानी मैक्सिमम 5 देना है ना। तो अगर 1% लोगों ने सिर्फ वो जवाब दिया इसका मतलब सबसे ज्यादा यूनिक है, तो 5 दीजिए, उसी तरह से कम करते जाइए। तो टोटल अब आपके नंबर आ गए फ्लुएंसी पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे, ओरिजिनलिटी पे, अब इनको जोड़ दीजिए और ये कॉम्पोजिट क्रिएटिविटी स्कोर हो जाएगा, मतलब आपका संकुल हो गया क्रिएटिविटी स्कोर का। पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, ये इसी को फाइनल बता देते हैं, बट ये तो रॉ स्कोर है ना, हमने पढ़ा है स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि रॉ स्कोर को हम किस में बदलेंगे, स्टैंडर्डाइज स्कोर में। तो वंस द टोटल रॉ स्कोर्स हैव बीन ऑब्टेन्ड फॉर फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओरिजिनलिटी डायमेंशंस ऑफ क्रिएटिविटी, द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर कन्वर्टिंग द रॉ स्कोर इनटू टी स्कोर शुड बी अडॉप्टेड, ये हमने पढ़ चुका है, हम जानते हैं कि हम क्या करेंगे, मीन और एसडी निकालेंगे टोटल रॉ स्कोर्स ऑफ ईच डायमेंशन के लिए, मीन और एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, और फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टी इज इक्वल टू 10 इनटू एक्स माइनस एम अपॉन एसडी प्लस 50। या स्टैंडर्डाइजेशन वाला जहां नॉर्म्स की आपसे बात हुई है उससे समझ जाइए, तो आप रॉ स्कोर को कि स्टैंडर्ड स्कोर में कैसे बदला जाता है समझ में आ जाएगा। एक्स जो है वो माध्य है, एम जो है वो मीन है, एक्स जो है वो एक्चुअल स्कोर है, एम जो है वो मीन है, एसडी जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, और प्लस 50 उसमें जोड़ते घटा प्लस 50 जोड़ते हैं, तो टी इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स माइनस एम अपॉन एसडी प्लस 50। तो ये मैनुअल में आपको सब दिया होगा, आपको सिर्फ रॉ स्कोर को जब आप स्टैंडर्डाइज स्कोर में कन्वर्ट कर देंगे तब आपको पता चल जाएगा विषय का, टेस्टी का, सब्जेक्ट का कितना स्कोर आया, और मैनुअल से ही आप उसकी क्रिएटिविटी की रैंकिंग वो कर सकते हैं कि वो कितना क्रिएटिव है, वहीं से पता चल जाएगा जब आप फ्लुएंसी, फ्लेक्सीबिलिटी और ओरिजिनलिटी पे उसको नंबर देंगे। तो ये तरीका यहाँ खत्म हो रहा है। तो ये तरीका है बाकर मेहंदी टेस्ट, बाकर मेहंदी टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे उसकी स्कोरिंग करेंगे। तो चूंकि आपसे प्रैक्टिकल में ये सवाल करना होता है, मतलब आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप एजुकेशन के स्टूडेंट हैं तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्रिएटिविटी का एक टेस्ट करना ही होता है। तो जितने भी हिंदुस्तान में, इंडिया में टेस्टिंग है वो लगभग मोर और लेस ऐसे ही है। तो ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, मोर पॉपुलर है, आपके यहाँ जो भी आपको कराया जाता हो तो उसको आप इसी लिहाज से समझिए और याद करिए और लिखिए, क्योंकि पूछा भी जाता है कि आपको एक स्टैंडर्डाइज टूल बताना है क्रिएटिविटी का, तो ये बहुत काम का है आपके। आई थिंक इंडियन वर्जन रह गया था, अदरवाइज मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी मैं पहले ही कवर कर चुकी हूँ। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माई सेट।